यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर क्या होता है और टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसका स्टेप क्या होता है, मीन्स इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टिश्यू कल्चर। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन अ सुटेबल कल्चरल मीडियम इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, नए प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है और प्लांट के टिश्यू को वहां से रिमूव किया जाता है, उसके टिप पोर्शन से जहां से प्लांट की क्या होती है ग्रोथ होती है, वहां से स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू को रिमूव कर लिया जाता है और उसको किसी कल्चरल सॉल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, उस टिश्यू की ग्रोथ कराई जाती है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। ग्रोइंग टिप से टिश्यू को रिमूव किया गया था और उसको एक कल्चरल सॉल्यूशन के अंदर डाल के तब उस प्लांट की उससे नया प्लांट बनाया गया था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है टिश्यू कल्चर। इसीलिए इस पूरी टेक्निक को क्या बोला जाता है, टिश्यू कल्चर। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर इज, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरीके से टिश्यू कल्चर प्रोसेस का यूज किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है, अ पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम अ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट प्लेस्ड ऑन अ स्टाइल जेली, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसके टिप पोर्शन से टिश्यू को रिमूव किया जाता है और उसको जो है स्टाइल जेली के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। विच कंटेन आ, और उस स्टाइल जेली के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा और प्लांट के कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट के डिवीजन में, उसको जो टिश्यू है उसके डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअस रैपिडली क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करता है और वो सेपलेस लंप का फॉर्मेशन करता है। मींस जैसे ये कल्चर सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। इसी के अंदर इस टिश्यू को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और इस हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस की वजह से ये टिश्यू क्या होगा, कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा और इस तरीके से बहुत सारे सेपलेस लंप का फॉर्मेशन कर लेता है और इसी सेपलेस लंप को क्या बोला जाता है, कैलस बोला जाता है। अब जैसे एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सेपलेस जो लंप का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। और उस मतलब वो जो कल्चर सॉल्यूशन लिया जाता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और प्लांट के कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेप इज, द कैलस इज देन ट्रांसफर टू अनदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द कैलस टू डेवलप रूट। पहले क्या किया गया था, एक कल्चर सॉल्यूशन में रखा गया था, उसमें क्या था, बस टिश्यू को इंट्रोड्यूस कराया गया था, फिर वो टिश्यू हार्मोन और जो है न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस की वजह से वो टिश्यू क्या करती, कंटिन्यूअस डिवाइड करती और मासेस ऑफ जो है सेपलेस लंप का फॉर्मेशन किया था, जिसे क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। उसके बाद वो जो कैलस का फॉर्मेशन हुआ था उसे क्या करेंगे, उसे दूसरे जेली कंटेनिंग सूटेबल प्लांट हार्मोन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद वो जब दूसरे कंटेनर में उसे हम ट्रांसफर कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, रूट का ओरिजिनेशन होगा, मींस रूट डेवलप होगा। उसके बाद द कैलस विद डेवलप्ड रूट इज देन पुट ऑन द येट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट। उसके बाद पहले कल्चर सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया तो कैलस का फॉर्मेशन हुआ, दूसरे कल्चर सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो रूट्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद तीसरे कल्चर सॉल्यूशन में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तब क्या होगा, उसमें शूट का फॉर्मेशन होगा। देन द कैलस हैविंग अ रूट एंड शूट सेपरेट इन टू अ टेनी प्लेंटलेट्स प्लांटलेट्स, उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। इन दिस वे मिनी टिनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल। और उसके बाद ये जो प्लांट छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होगा, उसे क्या करेंगे, उसे ट्रांसप्लांटेड करा देंगे, ट्रांसफर करा देंगे किसके अंदर, या तो किसी पॉट के अंदर या तो सॉइल के अंदर। फिर वो क्या होगा, वहाँ पे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो जो है बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है, एक स्मॉल टिश्यू हम लेते हैं, उससे मल्टीपल प्लांट मीन्स बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक स्मॉल टिश्यू से हम बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। दिस टेक्निक, या हम बोले दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन।
तो टिश्यू कल्चर का पूरा टेक्निक क्या होता है, एक कल्चर सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर ग्रोइंग टिश्यू को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, वो टिश्यू जो का हार्मोन और न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस की वजह से डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद सेपलेस लंग का फॉर्मेशन करता है जिसे कैलस बोलते हैं। वो जो कैलस बना है उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट जेली में मींस नेक्स्ट कल्चर सॉल्यूशन में उसे ट्रांसफर कर देंगे, उसके अंदर भी प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होगा और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, उसमें वो क्या करेगा रूट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसको अगले कल्चर सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर देंगे तो वहाँ पे शूट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जो है छोटे छोटे प्लांटलेट्स मीन छोटे छोटे प्लांट्स बन गए हैं, फिर उस प्लांट को हम क्या करते हैं किसी पॉट के अंदर या तो सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, फिर वो ग्रो करेगा और जाके एक मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक का एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट टेक्निक होती है, एक वीक में या कुछ दिनों में हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, इसलिए बोला जाता है टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक। द नेक्स्ट एडवांटेजेस अ न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर डिजीज फ्री। अब डिजीज फ्री क्यों होगा, डिजीज फ्री इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर तो वो जो कल्चर सॉल्यूशन था मीन्स जिसके अंदर न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स प्रेजेंट था, प्लांट को पहले से ही उस चीज़ से मतलब वो जो इंसेक्ट्स अटैक करते उस पर उसको पहले से उससे रजिस्ट कर दिया जा रहा है ताकि उस पर कोई भी इंसेक्ट या कोई भी पैथोजन अटैक ना करे, इसलिए जो टिश्यू कल्चर टेक्निक से नया प्लांट बनता है नया प्लांट प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है डिजीज फ्री होता है, उसको कोई भी डिजीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीज़न है क्योंकि वो जो कल्चर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जो उस पर कोई भी पैथोजन को अटैक नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है एनी सीजन वी कैन यूज दिस टेक्निक, बिना किसी सीजन मतलब कोई भी सीजन हो ये नहीं देखना पड़ेगा समर चल रहा है तो हम कौन से प्लांट की ग्रोथ कराएंगे, विंटर चल रहा है तो कौन से प्लांट की ग्रोथ कराएंगे। वैसे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो 12 मंथ मतलब हमेशा मिलते हैं, कभी भी उनकी स्टॉपेज नहीं होती है, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ किसी भी सीजन में करा सकते हैं, इसमें सीजन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये इसका एडवांटेज हो गया। तीसरा चौथा एडवांटेज है वेरी लिटिल स्पेस आर टेकन इन दिस टेक्निक। अब जैसे नॉर्मल जब हम प्लांट की ग्रोथ कराते हैं तो स्पेस देखना पड़ता है कि हाँ इतना स्पेस हमें मिल जाएगा तो इतने प्लांट की हम ग्रोथ करा लेंगे, या इतना ज़्यादा स्पेस और मिल जाए तो हम और ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ करा लेंगे, बट टिश्यू कल्चर में स्पेस देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत कम स्पेस लगता है। जैसे कोई भी इतना बड़ा कल्चर सोल्यूशन ले ले मतलब इतना बड़ा हम कोई वेसल्स ले लें उसके अंदर न्यूट्रिएंट हार्मोन्स को डाल देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डाल दिया, फिर क्या करेंगे हम उसी के अंदर प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं और उसी के अंदर मतलब इतने बड़े ही वेसल्स में क्या होगा 1000 ऑफ प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, तो इतना ही तो स्पेस चाहिए। बट ऐसे ही अगर हम फील्ड में ग्रोथ करा रहे हैं तो इतने बड़े स्पेस में हम बहुत कम प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, बट टिश्यू कल्चर में हम क्या कर सकते हैं एक टाइम में बहुत सारे प्लांट की भी ग्रोथ करा सकते हैं और बहुत कम स्पेस भी लगता है। ये 4 एडवांटेज थे किसके, टिश्यू कल्चर के। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नया प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है, प्लांट के टिप पोर्शन से मीन्स जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही है वहाँ से टिश्यू को कट करके उसको एक कल्चर सॉल्यूशन के अंदर उस टिश्यू की ग्रोथ कराई जाती है, और उस कल्चर सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स प्रेजेंट होगा, उस न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स की प्रेजेंस में वो टिश्यू क्या होगा रैपिडली कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद क्या होता है किसका फॉर्मेशन होगा कैलस, कैलस से रूट, रूट से सूट, उसके बाद उससे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर। प्रोसेस तो पूरा पूछा नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब अगर एक नंबर में पूछा जाएगा तो टिश्यू कल्चर में जो सेपलेस लंब का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैलस। और अगर ये पूछा जाएगा प्लांट की तो ग्रोथ हो रही है, प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है मीन्स प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है मल्टीपल, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको उस कल्चर सॉल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसकी प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा ग्रो करेगा, तो न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स की प्रेजेंस में उस प्लांट के अंदर क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट
एडवांटेज अगर पूछ लिया गया, 3 नंबर 4 नंबर जो भी नंबर पूछ लिया गया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो हम ये पूरा एडवांटेज लिख देंगे। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने इस लेक्चर में टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।